हेलो फ्रेंड्स, जब बच्चों को भूख लगती है तो वो कहते हैं मम्मी कुछ बना दो। तब हमें सिर्फ एक चीज याद आती है, वो है आलू। आलू से हम क्या बना सकते हैं? तो आज हम आलू से एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जिसे बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये तीन आलू ले लिए हैं, ये बॉइल्ड आलू है, इनको हमने छील कर रख लिया है। अब इनको हमें कसना है, तो एक ग्रेटर लेकर इसको कस लेते हैं। एक एक करके हमें तीनों आलूओं को अच्छे से कस लेना है। फ्रेंड्स, हमने आलूओं को कस लिया है। अब इसमें हमें डालनी है आधा कटोरी सूजी, तो सूजी डाल लेते हैं। अब हमें इसमें कुछ मसाले मिलाने हैं, जैसे कि इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच ये चिली फ्लेक्स है, आधी चम्मच हमने लिया है ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है ये, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच के करीब ही हमने लिया है ये चाट मसाला, और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक कम ही रखेंगे। अब हमें इन सबको मिक्स करना है अच्छे से। फ्रेंड्स, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि इसमें सूजी है तो वो फूलेगी, तो थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा मिक्सचर तैयार है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और सूजी भी फूल चुकी है। चलिए गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें डालते हैं थोड़ा तेल और उसको गर्म करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये इस टाइप की एक पन्नी ले ली है। अब इस पन्नी के अंदर हमें थोड़ा सा घी लगाना है, तो इस तरीके से घी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमने पॉलिथिन के अंदर घी लगा लिया है, अच्छी तरीके से इसको चिकना कर लिया है। आप किसी से बर्तन में रखकर इसको बाहर के साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना मिक्सचर भरेंगे। अब धीरे धीरे करके ये मिक्सचर हम इसमें भर देंगे। हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल लिया है। अब इस पन्नी को हम ऐसे निकाल लेंगे और एक साइड में करते हुए इसमें एक छोटा सा होल कर देंगे कैंची से, इस तरीके से। अब हम इसी से ही अपने फिंगर्स बनाएंगे। चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, आप बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने पन्नी को फोल्ड कर लिया है और नीचे से एक छेद हमने कर ही लिया था। अब धीरे धीरे प्रेशर डालकर हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार के हमारे फिंगर्स तल गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। फिर से उसी तरीके से हम और भी तल लेते हैं। हमारी दूसरी बार के भी तले जा चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आलू सूजी के फिंगर्स बनकर तैयार हैं, बड़े क्रिस्पी बने हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।